साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वैसे तो मुस्कुराने की बहुत कोई खास वजह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारी आदत है हम हफ्ते में शो ओपन करते हैं, तो इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है इंग्लैंड की टीम ने, 555 रन वैभव बोला। हमने ये तो नहीं सोचा था कि ऐसा पहाड़ खड़ा हो जाएगा, क्या हो गया? देखिए, और 555 रन बनाने के बाद जब कल हम तो रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी की बात करते, जोरूट ने मार दी डबल सेंचुरी, जोरूट ने डबल सेंचुरी बना दी। और जब बेन स्टोक्स से कल पूछा गया कि अब आप लोगों ने 555 रन बना लिए, तो क्या आप, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे दिन का खेल खत्म होने के बाद, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप दोबारा कल बैटिंग आपकी टीम करेगी या आप इंडिया को शुरुआत से बैटिंग कराएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम दोबारा बैटिंग करेंगे, हम एक घंटा चाहते हैं कि हम कम से कम और बल्लेबाजी करें। और उन्होंने एक देखिए बड़ी अच्छी बात ये बोली कि उन्होंने बोला था कि इंडिया में आप जितना ज्यादा समय बैटिंग करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। अब वो 600 रन बना लेंगे, 600 रन बनाने के बाद इंग्लैंड एक ऐसी कंडीशन में आ जाएगा जहां से उसके लिए मैच हारना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, कि वहां से इंग्लैंड इस मैच को मेरे हिसाब से कि बहुत ही कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस में आप हारेंगे। क्योंकि जब सामने 600 रन बना देंगे तो फिर आपको भी 600 रन बनाने के लिए कम से कम 6 या 5 सेशन आपको चाहिए। मुझे अच्छे से याद है कि जब हमने अपनी बातचीत की शुरुआत मैच शुरू होने से पहले की थी, तब आपने कहा था कि इंग्लैंड की टीम के पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इंडियन पिचेस पर उनके पास एक्सपीरियंस कम है। जो रूट है और बेन स्टोक्स है, लेकिन जो रूट के बल्ले से आपने दोहरा शतक देखा है और बेन स्टोक्स ने भी आके ऑलमोस्ट 83 रन की धमाकेदार पारी खेली, तो इन दोनों से तो मुझे पूरी उम्मीद थी। वो जो ओपनर्स टिक गए और उसके बाद जो नीचे के क्रम के बल्लेबाज जो टिक गए, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ ये इंग्लैंड की टीम में थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस लाइनअप के साथ आई थी। लेकिन कई बार क्या होता है, जो युवा खिलाड़ी होते हैं वो समझते हैं अपने रोल को कि हाँ भैया अब हमें जिम्मेदारी मिल रही है तो हमें अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करना है। और देखिए इंडिया में अगर हम बात करें, फ्लैट विकेट आपको मिल जाए तो बैटिंग करने में जो बल्लेबाज होते हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आती है। तो चेन्नई में फ्लैट विकेट मिली जहां पर जो गेंद थी उसने बिल्कुल भी कोई ज्यादा गेंद लहरी नहीं, कोई ज्यादा मतलब मूवमेंट दिखा नहीं पहले खेल में, और जो स्पिन भी थी वो बहुत ज्यादा नहीं हुई। तो इंग्लैंड को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक अच्छी टॉस उन्होंने जीती, और उसके बाद तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो भारतीय करने वाला होता है, तो वसीम जाफर ने उस ट्वीट में उस फोटो एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि इस रोड रोलर को आप क्रीज पे चलाइए तभी जो विकेट है आपके लिए और अच्छी होगी बैटिंग करने के लिए। लेकिन इतना बड़ा रोड रोलर तो आपके पास आना मुश्किल है, तो विकेट अब जो तीसरा देना है वहां से थोड़ी सी और खराब होने लगेगी, जहां पे बल्लेबाजों को थोड़ी मुश्किल आएगी बल्लेबाजी करने में। लेकिन हम रोहित शर्मा शुभमन गिल से बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरी, रोहित शर्मा जिनकी औसत इंडिया में ऑलमोस्ट 90 की है, तो आप जरूर चाहेंगे कि देखिए उन्होंने अगर 550 या 500 चले ठीक है, वो 555 बना चुके हैं। अब आपकी पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि जो शुरुआत के 15 मिनट हैं उससे ज्यादा इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने ना दें। और अगर आप चाहते हैं कि एक जो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि आपको इस टेस्ट मैच में जीतने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनता है। देखिए अगर इंग्लैंड 550 या 560 पे चलिए ऑल आउट हो जाती है, तो फिर आपको वो जो 560 रन पहले बनाने होंगे, तो वो बनाने के लिए आप कोशिश ये करें कि 4.5 सेशन के दौरान वो आप इतने रन बनाएं। 5 सेशन में आपकी हमेशा को देखिए आज, अब आप आज और कल का खेल मिला के आपके पास 6 सेशन मिलने वाले हैं, तो इन 6 सेशन अगर इंडिया में चाहता हूँ बल्लेबाजी करें, और इंडिया इन 6 सेशन में हर पहला सेशन आप अच्छे से खेलें, उसके बाद अगले हर सेशन में आप कोशिश करें कि 100 और 120 रन आप बनाएं, जिससे कोई एक चांस बने कि जब आप दूसरे चौथे दिन का खेल खत्म हो और जब आप पांचवें दिन जाएं, तो पांचवें दिन भी शुरुआत में आप एक घंटा बल्लेबाजी करें और किसी तरीके से इंग्लैंड के सामने 200 रन बना दें, आपकी 200 रन की आप बढ़त ले लें, और वहां से आप कोशिश करें कि इंग्लैंड को 70 ओवर में ऑल आउट करने की पांचवें दिन जब विकेट एवं कह सकते हैं जो भारतीय स्पिनर्स हैं उनके लिए किसी वरदान से कम, तो ये एक सिनेरियो बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी जिस अंदाज में करुण नायर ने वो 13 शतक बनाया था, कि आपको पता ही लगा था कि 200 से 300 करोड़ नायर तक पहुंच गए। तो बिल्कुल एक शुरुआत अच्छी कीजिए, शुरुआत थोड़ा संभल के कीजिए, ज्यादा पहले सेशन में ज्यादा जो गेंदबाज हैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट दीजिए, एक बार क्रीज पे सेट हो जाइए फिर आपके रन बिल्कुल बनेंगे। रोहित शर्मा शुभमन गिल को, देखिए शुभमन गिल अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट तो भारतीय पिचेस में नहीं खेला, लेकिन आईपीएल हो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रणजी ट्रॉफी, अपनी जमीन को तो खिलाड़ी पहचानेंगे ही, अच्छा करेंगे। और रोहित शर्मा की आपने बात की, अगर उनका एवरेज ही इंडियन पिचेस पे 90 का है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम बात कर रहे थे, जो जो रूट ने कर दिया वो दोहरा शतक, तो हम रोहित शर्मा की जो रूट दोहरा शतक बना सकते हैं, तो फिर तो रोहित शर्मा ने T20 में ओडीआई में दोहरे शतक बनाया, तो
टेस्ट मैच में तो रोहित शर्मा को और बड़े कारी खेलनी चाहिए। तो शर्मा जी का बेटा इट्स टाइम टू शाइन। और इसी चैट के दरमियान शर्मा जी का बेटा और गेल जी का बेटा दोनों को बुलाने होंगे। इट्स टाइम टू शाइन। सो अगर आपके पास कुछ सवाल है तो हम आप हमसे इसी वक्त सवाल भी पूछ सकते हैं। कोई आपके रिएक्शन है तो अगर कोई रिएक्शन कोई सवाल कोई सवाल अगर अभी तक तो फिलहाल ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेकिन सवाल लोग नहीं भेज रहे हमारी जो इस चैट को लोग देख रहे हैं लेकिन थोड़े से सवाल वाले पूछने के लिए उनको देखिए उनके सवाल मुझे एक्चुअली वो भी डेट एंड वॉच कर रहे हैं अब क्या करें। अब रनों का पहाड़ तो बन ही गया है अब क्या इस पे डिस्कस किया जाए। दुख तो बहुत हो रहा होगा लेकिन अच्छी क्रिकेट देखना हर किसी को पसंद है। हर कोई चाहता है अच्छी क्रिकेट खेले। आप नहीं चाहते कि वन साइडेड मैचेस हो जिस तरीके से इससे पहले हम जो सीरीज में देखे थे कि इंडिया पूरी तरीके से डोमिनेट करता था इस तरीके की विकेट होती थी लेकिन फिर भी आप ये जरूर चाहेंगे कि किसी तरीके से जो इंडियन बैट्समैन है वो दिखाए कि हाँ उनमें क्यों इतना कैलिबर है। बस जो पहला घंटा इंग्लैंड इंडिया के जो बल्लेबाज है थोड़ा सा आराम से टिक जाएं और उसके बाद फिर वो इस पिच का मजा उठाएं। लेकिन स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी आगे चल के आपको थोड़ा सा उनके खिलाफ भी थोड़ा संभल के खेलना होगा। थोड़ा सा क्रीज पे समय बिताइए और उसके बाद इस विकेट पर रन बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए भारतीय बल्लेबाजों को। ये ना हो कि जब आप शुरुआत में जाएं तो शुरुआत में पहले 10 ओवर में आपको एक दो झटके लगे तो फिर वहां से आप बैटिंग पर आ जाएंगे और फिर इंग्लैंड आपको बिल्कुल डोमिनेट करके खेलेगा। वो मॉरल सेटबैक भी हो जाएगा अगर हमारे ओपनर्स अगर शाइन नहीं करते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से हमें रैप अप करना चाहिए। मैच शुरू होने वाला है। सवाल आ चुका है। अच्छा मोहित महाजन का सवाल आया यू थिंक रोहित कैन मेक 100 इन दिस मैच। हमको यहाँ 200 की बात सोच रही है। हमें विश्वास है कि रोहित शर्मा शतक बनाएंगे। विराट कोहली के बल्ले से 2019 से शतक नहीं है तो रोहित शर्मा के बल्ले से भी 2019 के बाद से हमने शतक नहीं देखा। तो आप सिर्फ यहाँ रोहित की बात मत कीजिए। रोहित भी शतक बनाए गिल भी बनाए पुजारा विराट कोहली सब बड़ी बड़ी पारी खेले। सब अपना अपना पार्ट अगर अच्छे से निभाते हैं तो डेफिनेटली ये जो ये रनों का पहाड़ है ये फिर हमारे सामने वो एक पिंटू कुमार सिंह है। मीनाक्षी आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग पिंटू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली हमने अपनी सीधा बातचीत की शुरुआत कर दी और इस लाइव चैट की जो सबसे अच्छी बात है जो खासियत है वो यही है कि हमें आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है जो हमें ऑन स्क्रीन नहीं मिल पाता है। सो आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि अगर आप लोग टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सजेशन अगर भेजते हैं अगर और कोई सवाल आया तो हम लेते हैं। अदरवाइज फिर मेरे ख्याल मैच करते हैं 11:30 बजे मिलते हैं दर्शकों के साथ और 11:30 बजे जब हम जुड़ेंगे तो लंच हो चुका होगा। उम्मीद कर रहे होंगे कि इंडियन टीम ये थोड़ी अच्छी पोजीशन में है वहां से हम लगातार बातचीत भी करेंगे और जितने सवाल हैं 11:30 बजे मीनाक्षी और मुझसे आप पूछ सकते हैं हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। सो थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस।